संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं। तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं। के संग तेरे बादलों सा बादलों सा बादलों सा उड़ता रहूं। तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं। वंस अगेन वेलकम बैक, आ चुके हैं वापस वाम एफएम 94 मणिपुर पर। हाउ दिन है आप लोगों की अपनी आवाज, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट आपका दोस्त यार ऑन परसेंट आरजे आदिशीमा। और जनाब आज हम बात करेंगे ख्वाहिशात पर। सेकंड हॉर में जनाब हमने अपना टॉपिक रखा है ख्वाहिशात। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हो रही या फिर पूरी होने वाली है, तो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहें तो जनाब आकर डिस्कस कर सकते हैं। 0546501194 मिलाना है आपने और राजा ने हमारे साथ। जनाब फितरती तौर पर जो है वो इंसान अगर एक ख्वाहिश को हासिल कर लेता है ना, तो इससे उसकी मजीद ख्वाहिशों की आग भड़क उठती है और ये अलाव मजीद तेज हो जाता है। चुनाचे इंसान दिन भर और जिंदगी भर ख्वाहिशात का असीर और कैदी बनकर जो है वो दौड़ धूप में मसरूफ रहता है। और फिर अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए दूसरों का हक मारना, झूठ बोलना, ख्वाहिशमंद जो है होना, जमीर फरोशी और धोखा देना, ये सब कुछ जायज समझने लगता है, क्योंकि इसका नफ्स इसे यही तरकीब देता है और यही बात उसके जहन में बिठा देता है। जो इंसान अपने खालक या अपने रब का बंदा बनने के बजाय नफ्स का गुलाम बनकर रह जाता है। अगर हम अपने मुआशरे में गिरदोपेश पर नजर दौड़ाएं और खुली आंखों से देखें, तो महसूस होगा कि दुनिया में सारा फसाद हिर्स व हवस की वजह से है। इंसान भी हिर्स व हवस का शिकार होकर जुल्म व सितम करते, कत्ल व गारत जैसे गुनाहों का इर्तकाब करते, लोगों की जिंदगियों से खेलते, और ताकतवर कौमें और ममालिक भी हिर्स व हवस का शिकार होकर दूसरी अकवाम को महकूम बनाते और दूसरे ममालिक पर गलबा हासिल करते हैं। इसलिए इंसान की इनफरादी जिंदगी से लेकर मुल्कों की इज्तमाही जिंदगी तक फसाद की जड़ हिर्स व हवस है। और रज़ाए इलाही, हुब्बे इलाही और कुर्बे इलाही की ख्वाहिश इंसान को सबसे पहले हिर्स व हवस से निजात दिलाती है और इसके कल्ब व ज़हन में ये बात रासिख कर देती है कि हर शय मन जानिब अल्लाह है, हर शय का मालिक मेरा रब है। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे दौलत दे, जिसे चाहे गलबा दे, जिसे चाहे शोहरत दे। मेरे मुर्शिद साईं का फरमाना है कि ख्वाहिशात का हद से बढ़ जाना बेसुकूनी और बेचैनी को जन्म देता है। ख्वाहिशात और वसाइल में तवाज़ुन ना रहे तो ज़िंदगी गैर मुतवाज़िन होने लगती है। हमारी मेरी और बहुत से लोगों की मुख्तलिफ जो है वो मौजूद पर गुफ्तगू रहती है इंसानी ख्वाहिशात के बारे में। मेरे एक दोस्त का जो है वो नुक्ता नज़र भी कमाल का है कि इंसान की ख्वाहिशात की कोई हद नहीं होती, हद मुकर्रर नहीं होती। किसी की ख्वाहिश रहती है कि मालो दौलत जायदाद जितनी ज़्यादा हो ज़िंदगी में आसानी होगी, औलाद बेटे बेटियां फरमाबरदार नेक हों, ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, गम या मुसीबतें बिल्कुल ना हों। मगर अपने बारे में उनका फरमाना है कि वो शायद वो दुनिया के उन चंद अशखास में से होंगे जिन्हें कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं, हत्ता कि उन्होंने कभी साइकिल लेने या एक साइकिल का मालिक होने की भी ख्वाहिश दिल में नहीं रखी। मेरे नज़दीक ख्वाहिशात का हद से बढ़ जाना बेसुकूनी और बेचैनी को जन्म देता है। ख्वाहिशात और वसाइल में तवाज़ुन ना रहे तो जिंदगी गैर मुतवाजन होने लगती है। यहाँ पर एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आते हैं तो आपके साथ मजीद गपशप करते हैं। हमारे साथ रहेगा आरजे आदिशीमा, आपके साथ साथ आप सुन रहे हैं आवाम एफएम 94 मणिपुर होती है। Enjoy your family time. It's 8:30 PM. This time check is brought to you by Nikri Sudhani. जब
मेहनत जगमगाती है, हमारी मिट्टी से खुशबू आती है। जिद्दत, मयार और तहकीक से बनी FFC की बेहतरीन क्वालिटी खादें, सोना यूरिया, सोना DAP और SOP, हर खेत लगे सोना। कोरोना वायरस के पेश नज़र तमाम एयरलाइंस के फ्लाइट शेड्यूल में रद्दो बदल, टिकट रीकन्फर्म, ट्रैवल डेट में तब्दीली और कोरोना टेस्ट बारे मालूमात के लिए विशु ट्रैवल इंटरनेशनल। सऊदी अरब जाने के लिए फ्लाइट शेड्यूल के बारे में मालूमात के लिए राबता नंबर 0300-775-002। इसके अलावा सऊदी अरब का वकाला हमारे लाइसेंस पर बनवाएं और सिर्फ 10 दिनों में अपना वीजा स्टैंप करवाएं। विशु ट्रैवल इंटरनेशनल, पुराना रसूल रोड नज़द रेलवे फाटक, मंडी बहाउद्दीन। मैनेजिंग डायरेक्टर खुरम सज्जाद आवान। राबता नंबर 0300-775-002। नाउमीद और मायूस खवातीनों हजरात के लिए खुशखबरी, अली हिजाज दवाखाना, जहां बेउलादी का 100% कामयाब इलाज किया जाता है। असाबी कमजोरी, बांझपन, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, मोटापा और इसके अलावा तमाम बीमारियों का मुकम्मल शाफी इलाज किया जाता है, तो सिर्फ एक बार जरूर आएं और मुकम्मल इलाज पाएं, क्योंकि तमाम बीमारियों का एक ही शफा खाना अली हिजाज दवाखाना, चीमा चौक फालिया रोड नज जामिया मस्जिद अल फारूक, सेफवे CNG मंडी बहाउद्दीन। बराए राबिता 0344-657-4598, 0303-824-6595। साड़ी तीनू अल्लाह पहली बारी खुशी बहा रहा है, ते मैं ओदे बच्चे वास्ते बहुत सारी शॉपिंग करनी है। चूल्हा, प्राम, चार्जिंग वाली गड्डी, खिलौने और बहुत सारे इंपोर्टेड कपड़े। ओ अच्छा भाई अच्छा, मेनू पता है तेनू बड़े चा ने जो दिल खरीद ले। पर एक गल होर है, ए सारी शॉपिंग मैं करनी है फेयर टॉय शॉप तो ते फेयर ट्रेंड गारमेंट्स तो, क्योंकि ओना दे कोल हर किस्म दे खिलौने और गारमेंट्स की इंपोर्टेड वैरायटी मिलती है। ते चल फिर, देर किस गल दी है, हुने चलने आ फेयर टॉय शॉप और फेयर ट्रेंड गारमेंट्स से। तुसी भी याद रखना फेयर ट्रेंड गारमेंट्स, गुड़ा चौक, कचहरी रोड, मंडी बहाउद्दीन। Take your fuel inverter and get ready to rock it on FM 94. जी वन सेकंड, वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस अवाम FM 94 मणि बहाउद्दीन है, आप लोगों की अपनी आवाज और मैं हूं आपके साथ शेयर 100% आरजी सीमा। और आज हमारा टॉपिक है जनाब, अब अपना टॉपिक को चेंज किया है, ख्वाहिशात है हमारा टॉपिक और आज हम आपके साथ ख्वाहिशात पर बात करेंगे कि ख्वाहिशात हम पर हावी क्यों हो जाती हैं, हम अपने आप को अपनी ख्वाहिशात को खुद पर हावी क्यों कर लेते हैं, क्या ख्वाहिशात हमसे बड़ी हैं, हमारी कोई कदर कीमत नहीं है, जो कि हमारी ख्वाहिशात की कदर कीमत है, बिल्कुल जनाब उनकी कोई कीमत नहीं होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में। ख्वाहिशात की शिद्दत जो है वो हद से तजावुज़ कर जाए तो हिरस बन जाती है और हिरस इंसान की शख्सियत को बदबूदार और बदसूरत बना देती है। और हम में से बाज़ अफराद की तमन्नाओं का महवर जो है वो सारी ज़िंदगी उनकी अपनी ही साथ रहती है, उनकी हर सोच और हर ख्वाहिश में ख्वाहिश मैं से शुरू होकर मैं पर ही खत्म हो जाती है। इसी तरह ख्वाहिशात का हरीस इंसान बसा औकात अपनी ख्वाहिशात के आगे बेबस और यही ख्वाहिशात उसे बहती परेशानियों में डाल देती है। इन्हीं ख्वाहिशात में एक आम फहम में कहा जाने वाला लफ्ज काश भी हमसे इस तरह जुड़ा हुआ है कि जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। जैसे काश हमें वो मिल जाता, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, ऐसा होता तो क्या होता। कहा जाता है कि इंसान नफ्स का गुलाम है और इसमें 100% सच्चाई है, और वो इंसान जो अपने नफ्स पर काबू पा ले वो कामयाब तरीन इंसान होता है। ख्वाहिशात के मामले में इंसानी फितरत भी अजीब तरह कहा जाता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि फलां दरख्त के पास नहीं जाना,
और इतनी तंबीह के बाद भी वो इन ख्वाहिशात इन पर जो है वो ख्वाहिशात गालिब आ गईं। और वो ना सिर्फ इस दरख्त के पास के बल्कि उस दरख्त का फल भी खाया और अपनी इस ख्वाहिश के एहतराम में इन्हें सजा भी मिली। अलगर्ज इंसान फितरती तौर पर हरीस और ख्वाहिशात का गुलाम है, बस जिसने अपने नफ्स को बचाया वो फला पा गया। अपने जनाब अपने प्रोग्राम में एक शामिल करते हैं गाना, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गाना, बजर राही की आवाज़। आपको बिल्कुल भी मैं बोर नहीं करना चाहता, आप लोग अगर हमें कॉल करना चाहते हैं 0546 9 5 0 1 1 4। आज यार क्या हो गया है आदिल तुम्हें, क्यों जुबान फिसल रही है तुम्हारी? बिल्कुल होता है ऐसा, कोई बात नहीं। हमारे साथ रही थी कौन, आयशा पिंडी सैदपुर से, बहुत शुक्रिया आपका। कहती है कि हर ख्वाब मुकम्मल हो ये लाजिम तो नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। कहती है कि मुझे डॉक्टर बनने का शौक था लेकिन अब मैं टीचर हूँ, वो मेरा शौक जो है वो पूरा नहीं हो सकता, वो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप भी टीचर हैं तो एक बहुत बुलंद रुतबा है। फरजाना कमर है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कहती है, वालेकुम अस्सलाम। फुरकान अहमद है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका भी। Die.
ਪਿਆਰਾ ਰੰਗ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਜੱਚਦਾ ਏ जी वंस अगेन वेलकम बैक आ चुके हैं वापस अबाम एफएम 94 मुड़ी पहाड़ी है आप लोगों की अपनी आवाज मैं हूं आपके साथ यार ऑन प्रेजेंट रार शाद शीमा फिलहाल हम बात कर रहे हैं ख्वाहिशात पर सेकंडली जनाब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर जब आप स्कूल में थे किसी क्लास में थे तो आप के टीचर ने आपसे ये पूछा था कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे क्या बनेंगी तो आपका क्या जवाब था आप क्या बनना चाहते थे क्या आप उस बात पे कामयाब हो चुके हैं जो आप बनना चाहते थे या फिर नहीं अगर नहीं तो आज आप क्या बने हुए हैं ये भी मुझे बताइएगा ये बताने के लिए 0546501194 आपको डायल करना पड़ेगा इसके अलावा जनाब MBR पे आपने मैसेजेस करने हैं MBR लिखना स्पेस अपना नाम लिखना अपना बेगाम लिखना और भेज देना आपने 8881 पर जनाब अगर ख्वाहिशात की बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है इसको शऊर बख्शा है मगर इंसान लालच से भरा हुआ दूसरों की देखा देखी अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाता जाता है फिर एक दिन वो इन्हें ख्वाहिशात के मलबे तले जो है वो दबने लगता है कभी कभार इन ख्वाहिशात को पूरा करने की खातर उसकी आंखों में इतनी चर्बी चढ़ जाती है कि वो दूसरों के जज्बात को रोनता हुआ आगे बढ़ने लगता है दूसरों की जिंदगियों को भी जीरण जो है वो करने की कोशिश करता है ऐसे लोगों में ऐसे लोगों को मैंने आज तक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा अगर आपने देखा हुआ है तो मुझे लाजमी बताइएगा उनकी शोहरत इज्जत दौलत एक महदूद मुद्दत तक होती है उसके बाद उस उन सब चीज़ों की एक्सपायरी डेट आ जाती है बाद में ऐसे लोगों के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता और दुनिया में तीन इकसाम के दिमाग वाले लोग पाए जाते हैं एक वो जो अपनी अपनी परवाह किए बगैर दूसरों का एहसास करते हैं दूसरे वो लोग जो दूसरों के नफा नुकसान की परवाह किए बगैर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और तीसरी किस्म ऐसे लोगों की भी है जो अपनी अपनी परवाह के साथ साथ दूसरों की भी परवाह करते हैं इन तीन किस्मों में से आखिरी किस्म वाले लोग कामयाबी को कामरानी की मंजिल तक पहुँचते हैं और मैं तो खुद जो है वो जिंदगी के मुकतब का इंतहाई जो है वो अदना तालिब इल्म समझता हूँ जो हर लम्हा कुछ ना कुछ सीखने और समझने के अमल से गुजरने के बावजूद जिंदगी से कुछ ना कुछ सीख चुका जिंदगी हर रोज हर लम्हे एक नया और सरप्राइज सबक देती है हर रोज एक नया चैलेंज आपकी जिंदगी के तजर्बे को कोरे कागज की तरह साफ कर देता है जिंदगी को गम और खुशी का नाम भी कहते हैं इंसान को इस दुनिया में आते ही मुख्तलिफ एहसासात और हालात का सामना करना पड़ता है इसे अपनी जिंदगी में जहाँ बेशुमार खुशियाँ और मुसरतें मिलती हैं वहीं इसे गमों और संगीन हालात से भी आजमाया जाता है जिंदगी की इस तगो दो में कभी इंसान कामयाबियों से हमकनार होता है और कभी नाकामियाँ जो है इसका मुकद्दर बनती हैं कुछ लोग जिंदगी के मसाइल और मसाइब का बहादुरी से सामना करते हैं और अपनी हिम्मत और कोशिशों से इन पर काबू पा लेते हैं मगर बुजदिल या कम हिम्मत लोग इन वक्त कामयाबियों से घबरा कर जिंदगी से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करते हैं जिंदगी में कुछ रिश्ते कुछ चीज़ें आर्जी होती हैं जो हवा के झोंके की तरह आती हैं और रफ चकर हो जाती हैं लेकिन आप उनसे उन सब को अपनी जिंदगी में इतना हावी कर लेते हैं कि जब ये सब आपसे मुंह फेरते हैं ना तो आपको अपनी जिंदगी से सारे रंग उड़ते दिखाई देते हैं बिल्कुल जनाब कुछ दिन पहले मैंने भी कुछ रिश्तों का कुछ चीज़ों को आर्जी तौर पर जो मेरी लाइफ में आई थी हो सकता है रब की तरफ से कुछ आजमाइश हो मेरे ऊपर लेकिन मैंने उसको अपने ऊपर इतना हावी कर लिया हुआ था कि मुझे लगता था कि इसके बाद मेरी कोई भी मतलब इतना डिप्रेशन का शिकार इंसान हो जाता है कि आपको स्लीपिंग पिल्स लेने की ज़रूरत पड़ जाती है आपकी ज़िंदगी के सारे रंग जो है वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं आपके ज़िंदगी के सारे रंग उड़ जाते हैं तो इस मौके पर मैंने अक्सर लोगों से सिर्फ एक ही जुमला सुना है हम तो जीते जी मर गए हैं जीते जी मर बड़ा
की तोहीन होती है। यहाँ एक मैं ये भी कहना मुनासिब समझूंगा कि ये आरजी रिश्ते और चीजें जिनका नाम ही आरजी है, एक ना एक दिन बिछड़ना होता है, लेकिन आपकी आंखें देर से खुलती हैं, इस वक्त तक पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता। यहाँ पर एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद गपशप करेंगे और अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे अपने प्रोग्राम का। हमारे साथ रहिएगा आरजी शिमा आपके साथ साथ। This time check is brought to you by Haldi Chandan Beauty Cream. It's 8:45 PM. सदियों से आजमूदा पाको हिंद के मुजरब नुस्खों का कमाल हल्दी चंदन ब्यूटी क्रीम, जिसमें शामिल है हल्दी की खूबियाँ और चंदन का निखार। हल्दी चंदन ब्यूटी क्रीम, जिसके लगाने से आए निखार ऐसा कि सब देखते ही रह जाएं। खूबसूरती के तहफ्फुज़ और गोरेपन के लिए आप भी इस्तेमाल करें बरेसगीर की आजमूदा हल्दी चंदन ब्यूटी क्रीम, अ जॉइंट फॉर्मुलेशन ऑफ गायत्री हर्ब्स इंडिया एंड स्किन ग्लो पाकिस्तान। फेयर ट्रेंड गार्मेंट्स मंडी बहाउद्दीन में सबसे मुनफरिद और इम्पोर्टेड वैरायटी का मरकज। लेडीज जेंट्स एंड किड गार्मेंट की तमाम वैरायटी अब मिले इंतहाई मुनासिब कीमत पर। जेंट्स पैंट शर्ट, पैंट कोट, इम्पोर्टेड टी शर्ट्स, किड्स गार्मेंट में बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय के लिए पैंट शर्ट, निकर शर्ट, फ्रॉक और न्यू बॉर्न बेबीज के लिए बेशुमार वैरायटी। जेंट्स सूटिंग की इम्पोर्टेड वैरायटी, लेडीज और जेंट्स अनस्टिच सूटिंग की बेशुमार वैरायटी। फेयर ट्रेंड गार्मेंट्स गुड़ा चौक बिल मुकाबल फेयर डिपार्टमेंटल स्टोर कचहरी रोड मंडी बहावती। और जी वापस आ चुका हूँ मैं FM 94 मणि पहाड़ दिन है। आप लोगों की अपनी आवाज मुझे कहते हैं आरजी आदिशी, वहीं से बात शुरू करेंगे यहाँ पर जनाब हमने स्टॉप की थी। जनाब मन मैं कहता हूँ कि उस वक्त जो है वो पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं बचता। कुछ चीज़ें, कुछ वाकयात, खुशियाँ और हादसा ज़िंदगी में याद रहते हैं, लेकिन कुछ तो कुछ को इंसान वक्त के साथ साथ भूल जाता है, जिसमें से उसकी औकात सरे फहरिस्त है। जिंदगी एक मुसलसल सफर का नाम है, इसलिए इंसान को जिंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए कि जिसमें अपने नफा के साथ साथ दूसरों का नुकसान ना हो। इस तरह आपकी जिंदगी के साथ साथ उन लोगों की जिंदगियां भी गुजार हो जाती हैं जो आपके साथ जुड़े होते हैं। वो कहते हैं ना कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जनाबीमन इंसान भी जो है वो एक अच्छी मखलूक है तो अशरफुल मखलूकात में से, लेकिन रब के दिए पर जो है वो कम ही शुक्र गुजारी करता है। हमें या तो किसी चीज़ का एहसास इसको पाने से पहले होता है या फिर खो देने के बाद होता है। जब वो चीज़ हमारी या इंसान हमारी दस्तरस में होता है तब हमें एहसास ही नहीं होता कि वो हमारे लिए क्या है। हमें हमेशा उस चीज़ को पाने की तक दो में रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती या जो हमें पुरकशिश लग जाए। हमें हमेशा लाहासिल का दुख ही रहता है और मैं उसको ख्वाहिशात का नाम भी देता हूँ। अगर आपके पास एक पुरानी सी साइकिल है तो आपके दिल में ये ख्वाहिश जरूर पैदा होती है कि आपके पास नई साइकिल हो, और अगर आप इस काबिल हो जाएं कि आप एक नई साइकिल ले सकें तो फिर आप एक नई साइकिल के बजाय एक पुरानी मोटरसाइकिल को तरजीह देंगे। और ख्वाहिश दुनिया जो है वो बढ़ती जाती है और कुदरतुल्ला शहाब लिखते हैं कि मैं एक बुजुर्ग का मुकुला सुना है कि दुनिया की मिसाल एक साय किसी है, अगर कोई अपने साय की तरफ दौड़े तो वो उसके आगे आगे भागता नजर आएगा, और अगर साय को पसे पुश्त डाले तो वो खुद उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जो कोई दुनिया को तर्क करता है दुनिया उसका पीछा करती है, और जो कोई तलबे दुनिया की कोशिश करता है ना उससे ललचा ललचा कर दूर भागती है। हर इंसान जिंदगी में किसी ना किसी लाहासिल को पाने में सरगर्दा रहता है, कोई लाहासिल रिश्तों को, कोई लाहासिल उम्मीदों को, कोई लाहासिल ख्वाहिशात को, तो किसी की जिंदगी का मकसद लाहासिल
इश्क की तलाश है। और यहाँ पर इश्क के बारे में कहा जाता है कि सारी लज्जत तलब में होती है, हसूल तो एक बेजान कैफियत का नाम है। और इस इंसान ने जो है वो इंसान इश्क के मजाजी से इश्क के हकीकी की तरफ तब सफ़र करता है जब इश्क लाहासिल रहता है। इंसान झोली भर कर मोहब्बत करता रहे और खाली दिल खाली हाथ रहे। ख्वाहिशात को अपने ऊपर इस कदर हावी नहीं कर लेना चाहिए कि वो भूत बनकर हमारे सर पर सवार हो जाए। लाहासिल को पाने की ख्वाहिश करनी चाहिए मगर जो दस्तरस में हो इसकी कदर करनी चाहिए और अल्लाह पर और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वेल जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो लोग हमारे साथ हों ऑन एयर ऑफ एयर रहे। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो जनाब मैं माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा कल रात 10 से 12 आपके साथ। और हाँ, अगर आप मेरे प्रोग्राम जनाब रिकॉर्डेड सुनना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर भी सुन सकते हैं, वहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और कोई भी प्रोग्राम्स हैं हमारे रेडियो के, कोई भी प्रोग्राम्स हैं तो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। YouTube पर हमारा चैनल है RJ's गैलरी के नाम से। आप किसी भी RJ का नाम लिखकर सर्च करेंगे तो आपको वो उनकी जो उनका प्रोग्राम है वो आपको लाइव मिल जाएगा। अगर आपने जनाब हमारा प्रोग्राम मिस कर दिया है लाइव तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं, टेंशन नहीं लेनी। आप हमें सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत शुक्रिया आपका। फिर जब मुझे मेरे उस्ताद ने पूछा था कि आपने बड़े होकर क्या बनना है तो मेरा एक ही जवाब होता था कि मैंने बिजनेसमैन बनना है। खैर अब मैं जो है वो खुद तो जॉब कर रहा हूँ लेकिन मेरा बचपन से ही माइंड था कि मैंने बिजनेसमैन बनना है, मैंने कारोबार करना है, मैंने किसी की गुलामी नहीं करनी, मैंने किसी की नौकरी नहीं करनी। अभी फिलहाल मुझे कारोबार करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के अपने कारोबार हैं, लेकिन मुझे अपने कारोबार करने के लिए कुछ ना कुछ सीखना पड़ रहा है। कभी भी आप जो है वो सीख नहीं सकते जब तक आप किसी की मुलाजमत नहीं तैयार कर लेते, जब तक आप किसी की शॉप पर किसी भी जो है वो काम पर आप जो है वो जॉब नहीं कर सकते, तब तक आप कुछ काम सीख नहीं लेते, तब तक आप अपना कारोबार नहीं बिल्ड कर सकते। छोड़े जाता हूँ जनाब आपको इस प्यारे से ट्रैक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आरजे आदिल चीमा इज साइनिंग आउट फ्रॉम द लाइव स्टूडियो ऑफ अवाम एफएम 94 मणिभावदीप, द बेस्ट रेडियो स्टेशन ऑफ द रीजन। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, बाय बाय। दिल कितने खड़े